नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय टेक्नो एडवाइज में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro टेम्पर्ड ग्लास के बारे में। एक्चुअली इसकी वैरायटी जो है बहुत सारी है और ये वैरायटी वैसे तो सभी मॉडलों में आती है, पर जो रनिंग मॉडल होते हैं, हॉट मॉडल होते हैं, उनकी वैरायटी हमेशा कंप्लीट मतलब अवेलेबल होती है, बाकी की जो है अवेलेबल नहीं होती है पूरी वैरायटी। तो Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये दोनों सेम सेट हैं और इनके जो टेम्पर्ड ग्लासेस हैं वो सेम लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इनके टेम्पर्ड ग्लासेस बताने वाला हूँ कि कितने टाइप के हैं और किस टेम्पर्ड ग्लास का जो है क्या काम होता है, ठीक है। सबके अलग अलग अपने प्लस पॉइंट हैं, सब में माइनस पॉइंट होते हैं अपने अपने। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मेरे पास है यहाँ पर 6 तरह के जो है प्रोटेक्शन गार्ड हैं Redmi Note 9 Pro के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टेम्पर्ड। तो दोस्तों जो सिंपल वाला टेम्पर्ड है, कांच वाला टेम्पर्ड होता है, ये होता है 50 रुपये का और ये बिल्कुल सिंपल होता है। बट इसमें माइनस पॉइंट क्या होता है कि ये चारों तरफ से थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है ताकि कोई भी कवर आप इसमें लगा सको, कोई भी कवर जो ऊपर से ग्रिप करता हो स्क्रीन के ऊपर तो भी ये जो है टेम्पर्ड काम करता है, इसलिए हल्का चारों तरफ से छोटा होता है। और जो एज टू एज कंप्लीट होते हैं उनके क्या है किनारे झड़ते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए कंपनी इसे सस्ते का सस्ता और थोड़ा सा छोटा बनाती है। उसके बाद आता है दोस्तों ब्लू रे टेम्पर्ड। जो ब्लू रे टेम्पर्ड है ये ब्लू कलर की शाइनिंग करता है, आप देखेंगे ब्लू या पर्पल कलर की शाइन करता है। अभी कुछ कम कर रहा है, जब ये स्क्रीन पे लग जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लू शाइन करता है। इसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ होता है, 100 रुपये का, मतलब ये जो रेट है मैं आपको ऑफलाइन दुकान वाले रेट बता रहा हूँ, ऑनलाइन तो ये सब 200, 250, 300 रुपये के होते हैं। दुकान वाले जो रेट हैं ये 50 रुपये का होता है और जो ब्लू रे वाला टेम्पर्ड है ये 100 रुपये का होता है। तो प्लस पॉइंट तो मैंने बता दिया कि ब्लू शाइन करता है, अच्छा लगता है आंखों के लिए, अच्छा है। बट दोस्तों जिन लोगों के ऑलरेडी चश्मे लगे हुए होते हैं, डॉक्टर उन्हें प्रेफर नहीं करते कि आप ब्लू रे चश्मा लगाओ, ब्लू रे टेम्पर्ड लगाओ, ठीक है ना। तो अगर आपके चश्मा ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप ब्लू रे टेम्पर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड नंबर पर स्मोक टेम्पर्ड। अगर मैं स्मोक टेम्पर्ड की बात करूं यानी कि मैट टेम्पर्ड की, तो ये इस वक्त सबसे ज्यादा बिक रहा है और मेरा सबसे ज्यादा बिकता है ये। हमारी दुकान पर हर कोई भी यंगस्टर आता है तो इस मैट टेम्पर्ड ही मांगता है। इसके जो है 4-5 नाम है, इसे आप मैट टेम्पर्ड, स्मोक टेम्पर्ड, कोई कहता है धुंधला वाला टेम्पर्ड, कोई कहता है गेमिंग टेम्पर्ड, पबजी टेम्पर्ड, 4-5 इसके नाम है। और इसके इतने सारे नाम की वजह यह है कि ये जो है काफ़ी स्मूथ होता है चलाने में, और जब आप गेम वगैरह खेलते हैं तो हमारे हाथों में पसीना आता है, वो इसके ऊपर टिकता नहीं है पसीना वगैरह, ठीक है। आप पानी की बूंद भी डालेंगे वो सड़क के नीचे गिर जाएगी, इस पर फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आते और जो पसीना है वो इसके ऊपर रुकता नहीं है, पानी नहीं रुकता है। और गेम खेलने में बहुत ही ये स्मूथ है चलाने में, तो गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये क्या होता है कि हल्का सा मैट होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे हल्का सा, मतलब स्क्रीन पर लगाने के बाद आपको पता नहीं लगेगा ज़्यादा, बट हल्का सा ये जो है मैट होता है ये, ठीक है। तो बस इसका यही माइनस पॉइंट जो है वो एक ये है कि वीडियो देखते हुए क्लैरिटी थोड़ी सी गिर जाती है, बाकी प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हैं कि स्मूथ है, अच्छा है, बढ़िया है चलाने में। तो जो गेम के दीवाने हैं या जो पबजी लवर्स हैं ना, उनके लिए तो मस्ट है कि उन्हें मैट टेम्पर्ड लगवाना ही पड़ता है, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो भी 100 रुपये है। तीन टेम्पर्ड आपको दिखा दिए। फोर्थ नंबर पर आता है 11D। 11D टेम्पर्ड क्या होता है कि एज टू एज कंप्लीट होता है, यानी पूरा आपके फोन के ऊपर एज टू एज लगेगा, कहीं से भी छोटा नहीं होगा ये। और इसका मतलब प्लस पॉइंट तो ये है कि कंप्लीट लग जाता है और पता भी नहीं लगता है कि टेम्पर्ड लगा हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉर्डर के ऊपर ब्लैक बॉर्डर आ जाता है। बट इसका माइनस पॉइंट ये है कि जो इसके किनारे हैं, क्योंकि एज टू एज है, तो ऐसे में कहीं भी फोन आपका किनारे से जब कहीं लगता है हल्का सा भी तो ये ब्रेक हो जाता है। जैसे आपने पॉकेट में फोन डाला हुआ है, आप चाबी का छल्ला, कॉइन या कोई भी चीज जेब में रखेंगे ना, तो उसके जो किनारे हैं ना ये खुद ब खुद झड़ने शुरू हो जाते हैं महीने भर के अंदर। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। बाकी प्लस पॉइंट ये है कि ये एज टू एज है, कंप्लीट है और लगने के बाद पता भी नहीं, अगर बबल ना आए तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने टेम्पर्ड लगा रखा है। क्लैरिटी बड़ी अच्छी होती है इसकी। उसके बाद आता है HD प्लस। जो 11D है इसके बाद अब HD प्लस या D प्लस टेम्पर्ड, दो नाम होते हैं इसके, एक्चुअली दो कंपनी है, एक D प्लस है, एक HD प्लस है। ये 11D से ज्यादा बेटर होता है और इसका जो प्राइस है, इन ये जो थे 50, 100, 100, 100, इसका प्राइस था 150 रुपये। आप अच्छी जगह जाएंगे ना तो यही आपको 250, 300, 350 तक का भी मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट यह है कि इसके जो टेम्पर्ड है ये 11D से ज़्यादा बेटर होता है, उससे मोटा होता है और क्लैरिटी बहुत क्लीन है। इसके अंदर वीडियो की जो क्लैरिटी आती है ना, बहुत ही मस्त क्लैरिटी आती है, क्योंकि ऊपर से बहुत ही शाइनी और चमकदार है ये। साइड जो इसके किनारे हैं वो कर्व हैं, यानी कि 11D जो होता है वो अगर किनारों से देखा जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पूरा फ्लैट होता है, और जो डी प्लस होता है ये किनारों से कर्व होता है, आप देख पा रहे होंगे इसकी शाइनिंग किनारे से, आप देखिए ये कर्व होता है चारों तरफ से और मोटा भी होता है, इसके किनारे इतनी जल्दी नहीं झड़ते हैं। और कल को अगर फोन गिरता है ना तो ये मान के चलिए आप 99.9% टेम्पर्ड टूटेगा बट स्क्रीन नहीं टूटेगी, ये इसकी खासियत होती है।
बाकी माइनस पॉइंट की बात करें तो शायद इसमें तो माइनस पॉइंट मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो ये कुल मिला के मतलब इन सब में बेस्ट है ये। और उसके बाद लास्ट में बात करते हैं ट्रिंक की। जो ट्रिंक है इसे हैमर प्रूफ कहते हैं, फाइबर कहते हैं, ट्रिंक कहते हैं, अनब्रेकेबल कहते हैं, तीन चार इसके नाम हैं। और इसमें होता क्या है कि ये फाइबर का बना हुआ होता है, इसके अंदर कांच नहीं होता है। इसका टेम्पर्ड दूसरी पैकिंग से निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक आपको वाइप्स मिलता है, वैसे तो वाइप्स सबके साथ होते हैं, इसमें एक होता है वेट वाले में गीला होता है, ड्राई वाले में सूखा होता है। पहले मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर को फिर दो नंबर को क्लियर करके फिर टेम्पर्ड लगाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रिंक है, बात करते हैं ट्रिंक की, तो दोस्तों ये ना फाइबर का बना हुआ है, ये कांच नहीं होता है, ये पूरा फाइबर शीट होती है या प्लास्टिक शीट कह लीजिए आप, ये प्लास्टिक शीट होती है। इसका कुछ भी मतलब आप देख सकते हैं इसका कुछ बिगड़ता नहीं है, और काफ़ी आप इसे कर्व कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्रेक ही नहीं होता है, ये अनब्रेकेबल होता है। बट इसमें क्या होता है कि स्क्रीन जो है 70% तक चांस होते हैं कि स्क्रीन अगर कल को गिरती है तो ये आपके फ़ोन को बचा पाएगा। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आपका फ़ोन गिरता नहीं है, आप सेफली रखते हैं उसे, तो ऐसे में आप इसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है और पूरा एज टू एज कम्प्लीट फ़ोन पर लग जाता है, किनारे वगैरह झड़ते नहीं है क्योंकि प्लास्टिक का टेम्पर्ड है। तो ये भी मतलब बेटर होता है और काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है लगाने के बाद। ये भी आपको ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि क्या है, इस पर वन साइड और टू साइड दोनों तरफ से ब्लैक कलर की पॉलीथीन जो है वो हट जाएगी और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब इसे लगाते हैं तो पहले एक नंबर को हटाना होता है, पूरा रिमूव करके फिर स्क्रीन पर लगा देना होता है, उसके बाद दो नंबर को ऊपर से हटाना होता है, तो ये क्लियरली जो है फ़ोन में लग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर छह टेम्पर्ड ग्लास दिखा दिए हैं। सिंपल वाला जो है वो ₹50 का है, ब्लू रे, मैट और 11D, 1, 2, 3, ये तीनों ₹100 वाले होते हैं। HD प्लस 150 का होता है और ट्रिंक जो है आपका वो ₹100 का होता है। तो यहाँ पर सभी मैंने टेम्पर ग्लास आपको दिखा दिए हैं। अगर आप इसमें से कोई टेम्पर ग्लास परचेज करना चाहते हैं तो अगर मैं आपको ऑनलाइन का लिंक दे दूंगा, लेकिन ऑनलाइन ये सारे टेम्पर ग्लास महंगे होते हैं, यानी कि ये होंगे 150, 200, 250 रुपये के अराउंड आपको पड़ेंगे। और वैसे जो ऑफलाइन का रेट है दुकान का वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बस दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।